लिए अब रुख करते हैं एक्सप्रेस का। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक दिल्ली स्थित बीजेपी के नए मुख्यालय 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शाम को 4 बजे होगी। बैठक में विकास और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। साथ ही ये विचार किया जाएगा कि उनका कैसे और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा और तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक शराब की दुकान को लेकर एक दूसरे से ट्विटर पर भिड़े। आपको बता दें कि तिलक नगर में एक शराब की दुकान है जिसकी लंबे समय से हटाने की मांग की जा रही थी। त्रिपुरा में मंगलवार को हुए विधानसभा चुनाव के बाद 2 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं जिसमें वाम मार्च और सरकार की जगह भाजपा सरकार आने का दावा किया जा रहा है और एग्जिट पोल के अनुसार मेघालय और नागालैंड में भी भाजपा अपनी स्थिति मजबूत रखेगी। यूपीए सरकार के दौरान सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार और भोजन का अधिकार मिला तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बिजली का अधिकार देने का मन बनाया है। केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में बिजली आपूर्ति पाने के अधिकार के लिए बिल लाने की योजना बना रही है। वहीं इसके तहत अप्रैल 2019 से सामान्य स्थितियों में दिन में 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं होने पर पावर डिस्ट्रीब्यूटर को जवाबदेह ठहराया जाएगा, लेकिन मौजूदा समय में अभी करोड़ों परिवार हैं जिनके घरों तक अभी तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंच सकी है। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,400 करोड़ रुपए के महाघोटाले के बाद एक और बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। पीएनबी ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के 1322 करोड़ रुपए के एक और फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पता लगाया है। बैंक की ओर से सोमवार देर रात स्टॉक एक्सचेंज को नीरव मोदी और उनके बिजनेस पार्टनर मेहुल चौकसी की ओर से $204 मिलियन यानी 1322 करोड़ रुपए के एक और फ्रॉड के बारे में जानकारी दी गई है। आर्थिक अपराधों को अंजाम देने के बाद विदेश भाग जाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त बिल लाने पर विचार कर रही है। बिल में ऐसे प्रावधान होंगे जिनसे आर्थिक अपराधियों के भारतीय अदालतों के दायरे में बचे रहना मुमकिन नहीं रहेगा। आपको बता दें कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों को देखते हुए सरकार सख्त प्रावधानों वाला भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस तरह के अपराधों से बैंकिंग सेक्टर की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बीते शनिवार को सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच NH-77 पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 9 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ये दुर्घटना बीजेपी नेता मनोज गाड़ी की गाड़ी से हुई थी। मनोज बैठा अपनी गाड़ी से सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर आ रहे थे। इस दौरान मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में उनकी गाड़ी ने पहले एक महिला और पुरुष को टक्कर मारी, फिर भागने के चक्कर में सड़क किनारे खड़े बच्चों को कुचल दिया। मुजफ्फरपुर हिट एंड रन केस के आरोपी बीजेपी नेता मनोज बैठा ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। मनोज बैठा ने मुजफ्फरपुर में सरेंडर किया है। श्रीदेवी का पार्थिव देह मंगलवार रात दुबई से मुंबई लाया गया। इसके बाद बॉडी को एयरपोर्ट से सीधे लोखंडवाला स्थित उनके घर ग्रीन एकर्स में ले जाया गया। इस दौरान उनके घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद लोगों को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद दोपहर 2 बजे उनकी शव यात्रा विलेपार्ला के सेवा समाज सरदार गृह के लिए रवाना होगी और करीब दोपहर 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपका फिर से स्वागत है। मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की। बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसकी जानकारी राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी।
कृष्ण बेदी ने बताया कि बैठक में महिला बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध पर सरकार ने सख्ती बरतते हुए ऐसे मामलों में सख्त सजा के फैसले पर मुहर लगाई है। साथ ही पुलिस भर्ती के सर्विस रूल में संशोधन को मंजूरी भी दी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कांग्रेस को देश का खजाना लूटने में एक्सपर्ट पार्टी बताया। इसके अलावा विज ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। वहीं पुरुष महिला और पैरा खिलाड़ियों से खेल मंत्री अनिल विज ने उनके निवास पर मुलाकात की। खिलाड़ियों ने विज को अपनी परेशानी के बारे में बताया। वहीं खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी पैरा और एबल्ड खिलाड़ियों को एक समान देखा जाता है और एक समान ही सुविधाएं भी दी जाती हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी प्रदीप कासनी आज रिटायर हो जाएंगे। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने उनके रिलीविंग को मंजूरी दे दी है। लेकिन न ये केवल हरियाणा बल्कि देश में अपनी तरह का पहला मामला होगा जब कोई आईएएस अधिकारी 6 महीने के वेतन भत्ते और सुख सुविधा के बिना रिटायर हो जाएगा। वहीं हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप कासनी के कामकाज और उनकी ईमानदारी के कायल रहे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कासनी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदीप कासनी स्ट्रेट फॉरवर्ड अधिकारी हैं और अब रिटायर होने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने हुड्डा की जनक्रांति रथ यात्रा को लेकर अहम बयान दिया है। तंवर से पूर्व सीएम हुड्डा की रथ यात्रा में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फोटो की अनदेखी के बारे में पूछा गया तो तंवर ने कहा कि इन दोनों नेताओं के फोटो अवश्य होने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे मामले को लेकर पलटवार किया है। पूर्व सीएम हुड्डा की रथ यात्रा पर बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक तरफ इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई को रोकने के उनकी रथ यात्रा रोकनी पड़ी है और वो रुक गई है। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विपक्ष को गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। यात्रा हर हाल में होगी और जनता की लड़ाई भी जमकर लड़ी जाएगी। पूर्व सीएम हुड्डा की रथ यात्रा पर तंवर ने कहा कि सोनिया गांधी की फोटो नहीं लगाई गई है उस पर संज्ञान लिया जाएगा। अपने बेबाक अंदाज और बयानबाजी के लिए जाने वाले बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में एक सभा को संबोधित करते हुए सैनी ने बीजेपी जींद रैली पर हुड्डा पर और चौटाला पर जमकर जुबानी हमले किए। सैनी ने कांग्रेस पर हरियाणा की जनता से छल करने और कांग्रेस के नेताओं पर अपनी तिजोरी भरने का आरोप लगाया है। सैनी ने बीजेपी की जींद रैली और आरक्षण पर बीजेपी को भी नहीं बख्शा। पशुपालन विभाग में नौकरी से हटाए गए एआई वर्कर सोमवार को राज्य मंत्री करण देव कंबोज के गांव में भीख मांगने चले गए। ये वर्कर जब मंत्री के कार्यालय पहुंचे तो वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया। वर्कर्स का आरोप है कि यहां मौजूद मंत्री के बड़े भाई धर्मवीर कंबोज ने उनके साथ बदसलूकी की है। मंत्री के भाई ने उनके साथ गाली गलौज किया और मारपीट की धमकी भी दी। आपको बता दें कि करनाल, यमुनानगर और इंद्री के मंधार गांव में एआई वर्कर्स धरने पर डटे हुए हैं। विकास बांगर ने कहा कि साल 2011 में 1145 वर्करों को एक एनजीओ के माध्यम से पशुपालन विभाग में नौकरी पर लगाया गया था। 5 साल काम करवाने के बाद इन वर्करों को एक कलम से विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अचानक नौकरी छीने जाने से वर्करों में मायूसी छा गई। वर्करों को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। धरना जब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें पशुपालन विभाग में नौकरी के लिए बुलाया नहीं जाता। फतेहाबाद में एक शख्स ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी का उस युवक के साथ अवैध संबंध था। आरोपी पति युवक को मारने के बाद राजस्थान ले गया जहां उसने शव को नहर में फेंक दिया। चलिए एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।